नमस्कार बच्चों मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नम्रता आज आपको पार्ट दो चिड़िया की बच्ची पढ़ाऊंगी इस पार्ट के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं आप जानते ही हैं पक्षियों को पिंजरे में रखना एक अपराध है प्रकृति ने उन्हें खुले आसमान में रहने के लायक बनाया है वही उनका स्वाभाविक जीवन है पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना हमारे लिए मनोरंजन हो सकता है उनके लिए यह किसी सजा से कम नहीं होता माधव दास ने अपनी संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई है उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है उसको कला से बहुत प्रेम है उनके पास धन की कमी नहीं है फूल पौधे सुंदर गमलों में लगे हुए हैं फब्बारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है समय भी उसके पास काफ़ी है शाम को जब एक दिन गर्मी ढल जाती है और आसमान में कई रंग के बादल छा जाते हैं तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर बड़े तकिए के सहारे गलीचे में बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं आज कुछ कुछ बादल थे घटा गहरी नहीं थी धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठी चिड़िया बहुत सुंदर थी माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल पर उस डाल पर थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा सुनो चिड़िया यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है तुम बेखटक यहाँ आया करो चिड़िया घबराई फिर फिर बोली, बोली मुझको मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है मैं अभी चली जाती हूँ पल भर सांस लेने के लिए यहाँ आई थी माधव दास ने कहा मेरी भोली चिड़िया तुम्हें देखकर मेरा चित प्रफुल्लित हुआ है मेरा महल भी सूना है वहाँ कोई भी चहचाता नहीं है तुम्हें देखकर मेरा परिवार का जी बहलेगा तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती मेरे पास बहुत सा सोना है तेरा समूचा सोने का होगा पिंजरा ऐसा पिंजरा बनवाऊँगा कि कहीं दुनिया में ना होगा ऐसा होगा ऐसा कि तू देखती रह जाए तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना चिड़िया बोली मैं नादान हूँ मैं कुछ नहीं समझती सूरज की धूप खाने हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई हूँ अब सांझ हो गई है सो माँ के पास जा रही हूँ आप सोचे नहीं माधवदास ने कहा भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो तुम मुझे नहीं जानती हो चिड़िया बोली मैं माँ को जानती हूँ भाई को जानती हूँ सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ घास पानी और फूलों को जानती हूँ तुम कौन हो मैं नहीं जानती मुझको देर हो रही है माँ मेरी बात देखती होगी मैं माँ के पास माधव दास उसे रोकते हुए बोले ठहर ठहर अपने पास के इस फूल को तूने देखा यह एक है ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं वे भाती-भाती के रंग बिरंगे हैं तरह तरह की उनकी खुशबू है वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे मैं तुझे सोने से मडवाकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है तू मत जा यहीं रह इतना कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया उसके दबते ही दूध कोठी के अंदर आवाज़ हुई जिसे सुनकर एक नौकर झटपट बाहर आया यह सब क्षण भर में हो गया चिड़िया कुछ भी ना समझी सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले तुम अभी अपनी माँ के पास अवश्य जाओ माँ बाढ़ देखती होगी पर कल आओगी ना कल आना परसों आना रोज आना तुम बड़ी सुंदर लगती हो तुम्हारे भाई बहन हैं कितने भाई बहन हैं चिड़िया ने बताया दो बहने एक भाई है पर मुझे देर हो रही है हाँ हाँ जाना अभी तो उजाला है दो बहने एक भाई है बड़ी अच्छी बात है चिड़िया के मन के भीतर जाने की क्यों चैन नहीं था वह तो चकन्नी होकर चारों ओर देखते रही उस मुझे देर हो रही है सेठ ने कहा अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का और हाल सुनाओ डरो मत चिड़िया ने कहा मुझे डर लगता है मैं नादान बच्ची हूँ माँ मेरी दूर है रात हो जाएगी तो मुझे रहा नहीं दिखाई देगी सेठ ने समझाया ना करो चिड़िया तुम बहुत सुंदर हो मैं तुमको प्रेम करता हूँ मैं चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी दहे को छू गया है वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी नौकर के फैले हुए पंजे में आकर वह ना आ सकी उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुँची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी ओ माँ ओ माँ माँ ने बच्ची को छाती में चिपटा कर पूछा क्या है मेरी बच्ची क्या है वह पर बच्ची कप कपाकर माँ की छाती में और चिपक गई और बोली कुछ नहीं बस सुबकती रही ओ माँ ओ माँ बड़ी देर तक उसे धारस बंधा और तब वह पलक मीच कर छाती में चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी तो, तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्राणी को कैद करना अपराध है किसी की आज़ादी छीनने का हमें कोई हक नहीं है पक्षियों का जीवन स्वच्छंद रहने और खुले आकाश में उड़ने के लिए है इस कहानी में मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन है किसी के भी भोलेपन का लाभ उठाना ठीक बात नहीं है सच्चा सुख और संपूर्ण सुरक्षा माता पिता की शरण में ही मिलती है